नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। आपको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं और मेरे इस बुंदेली झलक चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हमारे खास बुंदेलखंड की है। तो बुंदेलखंड वाले रायता मैंने आपको उस दिन बूंदी का बताया था और आज मैं आपको बताने वाली हूँ घीये का रायता, यानी कि लौकी का रायता। लौकी का रायता ऐसे बनाते हैं कि मैंने ये देखिए एक करछी भर के तेल लिया है और अच्छे से जला लिया है। उसके बाद आज क्योंकि आज मैं होली का जो हमारे यहाँ भटा ककरिया कहते हैं उसके साथ ये रायता खाने वाला होता है, इसी को मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने राई डाल दिया, राई अच्छे से कटा किया। अब मैं इसमें ये बॉईल किया हुआ लौकी डालूंगी, ये उबला हुआ लौकी है। और अब मैं इसमें ये एक बड़ा चम्मच भर के नमक डाल दूंगी। और इसको अब मैं साथ में इसमें चुटकी भर हल्दी डाल दूंगी। अब मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से 4-5 मिनट। देखिए हमारे 5-6 मिनट हो गए हैं और लौकी हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा पीसा हुआ है मसाला, इसमें सिर्फ 4 लाल मिर्चें हैं और 1 चम्मच भर के धनिया है वो पीसा है, यही डालते हैं इसमें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरी दादी नानी और मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं इसको। और आज होली के मौके पे मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि सूखे रंगों से होली खेलिए, पानी को बचाइए। जैसा कि सबको पता है हमारे बुंदेलखंड में गर्मियाँ आते ही पानी की कितनी मारामारी पड़ती है, तो पानी बचाने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। मैं यही कहूँगी बस, बाकी आपको जो करना हो। सूखे रंगों से होली खेलिए, सिर्फ तिलक लगाइए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, मिठाइयाँ खिलाइए, इसको होली का त्यौहार कहते हैं। ना कि पक्के रंग ले लेके पैसा भी बर्बाद करना, पानी भी बर्बाद करना और अपना पूरा चेहरा बर्बाद करना, ऐसा मत कीजिए। अब देखिए मैंने इसको 1 मिनट भून लिया है और अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी। और गैस बंद करने के बाद मैं ये मट्ठा डाल दूंगी इसमें। ये देखिए बस ऐसे ही बुंदेलखंडी रायता बनता है और ये बन चुका है। धन्यवाद। अब मैं इसको पलट लूंगी नहीं तो ये फट जाएगा।